बच्चों, ये आलो आधारी पाठ का ये छठी व्याख्या का वीडियो है, व्याख्या का छठा वीडियो है। इसके पहले व्याख्या के पांच वीडियो आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। जो पांचवें वीडियो में जो लास्ट की स्थिति थी, बेबी का घर तोड़ दिया जाता है और वो रात भर खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ रहती है। तो उसका एक पड़ोसी भोला दा उनकी सुरक्षा के लिए रात भर उनके साथ रहता है और सवेरे वो कहता है कि जहां तुम काम करती हो, जिन साहब के यहाँ, उनसे आप बात करो तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए घर की। तो वहीं से हम आगे शुरू करते हैं। सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहां काम करती हो वहां के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह दे सकते हैं। एक बार बात करके देख ही लूं, मैंने उससे कहा। भोला दा, तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना, मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई, वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई तो देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसे नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर आए और भोला दा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात में ही चले आना था। खैर, अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुष बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुष तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, लेकिन यह मुसीबत एक बहुत बड़ी सौगात भी लेकर आई। बेबी का घर टूटा किराए का, रात भर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। वो एक क्षणिक दुख था, ये वो एक क्षणिक पीड़ा थी, लेकिन इस क्षणिक पीड़ा और आराम की क्षणिक पीड़ा और दुख के पीछे पूरे जीवन भर का आराम छिपा हुआ था। अगर उसका इस तरह से अचानक घर न टूटता तो क्या बेबी कभी तातुस के घर रहने की बात कर पाती? कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान की वजह से इंसान मजबूर होता है, वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। बेबी एक बहुत ही आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की थी, औरत थी। उसको पहले से ही ढेर सारी सुविधाएं तातुस के द्वारा मिल रही थी, तो उसे बहुत ही ज्यादा संकोच लग रहा था कि कैसे कहे कि तातुष के यहां अगर घर मिल जाता रहने का। इसलिए उसने अपने इसी आत्मसम्मान की वजह से वह भोला दा को अपने साथ लाई, जबकि तातुष पहले ही कह चुके थे उसे अपने घर में रहने के लिए। लेकिन अपने आत्मसम्मान की वजह से बेबी कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई तातुस के घर में रहने का। लेकिन इस भयानक मुसीबत ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी
कि उसे यह कहना ही पड़ा, तातुस की उस बात को स्वीकार करना ही पड़ा कि वह उनके घर पर रह सकती है। बच्चों, कहीं ना कहीं बेबी पर आई यह मुसीबत उसके लिए एक सौगात, उसके लिए एक वरदान बनकर आई, और इस सौगात ने उसके लिए स्थायी रूप से जीवन भर रहने की व्यवस्था कर दी, रहने का प्रबंध कर दिया। अगर घर न टूटा होता तो तातुस भी खुलकर इतना न कह पाते बेबी से कि आप मेरे घर तुरंत आ जाओ, और न ही बेबी इन परिस्थितियों में जाकर ऐसा रिक्वेस्ट करने का एक साहस करती। इसलिए साहस इसलिए उसके लिए था क्योंकि इस समय भी, इस मुसीबत में भी, वह तातुस के घर रहने का रिक्वेस्ट नहीं कर पाई। यह रिक्वेस्ट उसने भोला दा के माध्यम से कराया। भोला दा ने, हालांकि वो सारी बातें पूछते हैं कि तुम रात में ही क्यों नहीं आ गई, वो सारी बात तातुस कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद घर में रहने का रिक्वेस्ट वो भोला दा से ही कराती है, तातुस से। तो इस तरह से इस मुसीबत ने, इस पीड़ा ने, इस दुख ने उसे एक स्थायी सुख आराम दिया कि उसके लिए रहने की स्थायी व्यवस्था हो गई, और उसके बच्चे भी एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे घर में रहने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ। इस तरह की घटनाएं हमारे भी जीवन में अक्सर घटती हैं, केवल यह बेबी की ही कहानी नहीं है, हमारे ही जीवन में भी अक्सर ऐसे दुख आते हैं, ऐसी मुसीबतें आती हैं, और हमें उससे भयानक दुख होता है, हम रोने लगते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस दुख के पीछे का सुख का सागर छिपा हुआ था, इस दुख के पीछे, इस पीड़ा के पीछे एक बहुत बड़ा अवसर छिपा हुआ था, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करने के लिए हमें साहस करना पड़ता है। हर दुख के पीछे, हर पीड़ा के पीछे एक अवसर होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज खुद ये कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन कुछ देश जो इनोवेटिव हैं, जो साहसी हैं, जो उद्यमी हैं, उनके लिए यह कोरोना वायरस एक अवसर के रूप में आया है, मुनाफे के एक नए नए अवसर के रूप में आया है, और ढेर सारे ऐसे इसके फायदे हैं। बस इसे एक सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। तो इसलिए मुसीबतों से विचलित नहीं होना, मुसीबतों से घबराना नहीं, मुसीबतों में अवसर तलाशने का प्रयास ही एक सच्चे उद्यमी और एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। बेबी भी बहुत है साहसी, लेकिन इस मुसीबत में विचलित हो गई, रोने लगी, लेकिन उसके आत्मसम्मान, उसने ऐसा एक संस्कार चरित्र से एक ऐसा माहौल बनाया था अपने आसपास इर्द गिर्द कि लोगों ने उसे इस पीड़ा को, इस दुख को अवसर में बदलने में सहयोग दिया, और उसके लिए एक स्थायी आवास की व्यवस्था हो गई। तो इस तरह से बेबी हालदार को एक स्थायी घर मिला, वह तातुस के घर आ गई। तातुस ने उससे तुरंत आने को कहा, वह तातुस के घर आ गई और उसे स्थायी आवास की एक सुविधा जीवन भर प्राप्त हो गई। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ?
रखा रहे, दादा लोग खा लेंगे। तातुस बोले, यहां दादा का मतलब जो तातुस के बेटे थे उनको वो दादा कहती थी, दादा का मतलब बड़ा भाई। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था, अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। देखिए यहां पर तातुस भी बड़े संकोच से बोल रहे हैं, क्योंकि अब पहले तो सुबह आती थी घर का सारा काम करके, दोनों जून का दोनों मीटिंग का खाना बनाकर वो चली जाती थी, तो तातुस और उनके बच्चों को रात का खाना वही सुबह दोपहर का ही बनाया हुआ खाना पड़ता था, ठंडा खाना। तो चूंकि अब आ गई है, देखिए दोनों कहते हैं ना कि हर इंसान उपयोगी होता है, हर इंसान का अपना अपना अपनी अपनी जगह महत्व होता है। अगर तातुस ने उसे स्थायी रूप से घर दिया तो बेबी ने भी उन लोगों को एक अवसर ये दिया कि अब उन लोगों को दोनों मीटिंग दोनों जून ताजा ताजा खाना मिल जाएगा। लेकिन तातुस इस बात को, वैसे बेबी तो खुद ही करती, लेकिन बड़े संकोच के साथ तातुस ने कहा कि दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था तो तुम गरम गरम रोटी खिला सकोगी, क्वेश्चन मार्क उसके बाद है, बड़े संकोच के साथ कहते हैं। तो यहां देखिए दोनों ही व्यक्ति, बेबी हालदार और तातुस, दोनों ही आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे की कद्र करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और इसीलिए यह रिश्ता इतना ज्यादा बहुत स्थायी रूप से चल सका। दोनों ही कर्मशील हैं, दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के कहते हैं ना कि आत्मसम्मान को वैल्यू करते हैं, इसलिए यह रिश्ता इतना स्थायी रूप से चला। और कहते हैं ना कि फिर तातुस के भी कई रूप हुए, फिर पहले पिता का रूप, फिर जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो गुरु का रूप, गार्जियन का रूप, ये सारे रूप तातुस के हैं। बेबी भी यहां भी अनेक रूपों में है, बेटी का रूप, बेटी के रूप में है, शिष्या के रूप में है, माँ के रूप में भी है, क्योंकि वह दोनों मीटिंग बड़े प्रेम से खाना बना के खिला रही है सबको, सबकी जरूरतों का ध्यान रख रही है, घर की साफ सफाई कर रही है। तो कहते ना कि नौकरानी तो पैसे के लिए काम करती है कि आनंद फानंद कर दिया और उससे पैसे, लेकिन जब कोई अपना होता है तो घर के लोगों के स्वास्थ्य सेहत और सुख के लिए वो सब काम करता है। तो बेबी वहां के लोगों के स्वास्थ्य सेहत और सुख के लिए वो कर रही है, इसलिए उसे केवल नौकरानी नहीं कहा जा सकता। वह सच में कहते हैं ना कि माँ जैसे अपने घर का पूरा ख्याल रखती है, एक एक वस्तु को सहेज कर रखती है, घर के सभी प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है, खाना बनाकर और उनके केयर करके, उसी तरह से बेबी भी वह काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ वह माँ की भूमिका में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि यह दोनों ही रिश्ता अपने अपने स्थान पर एक दूसरे की कद्र करता है, इसलिए यह रिश्ता कितना स्थायी और कितना लंबा चला। आज भी बेबी हालदार जिंदा है और उसी घर में रह रही है। वो तातुस होंगे या नहीं होंगे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आज भी बेबी हालदार है, उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, लेकिन वह उसे बहन की तरह मानते हैं और पूरी तरह अपने परिवार के सदस्य की तरह उसकी देखभाल करते हैं। तो खून का ही रिश्ता बड़ा नहीं होता है, बल्कि सच्चे प्रेम के रिश्ते स्थायी और बड़े होते हैं। तो इसके बाद मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ,
फिर आकर अपना नाश्ता करना। जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया ही नहीं। वो फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तो यहाँ पर एक कहते ना कि एक गृहिणी की तरह जब बेबी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ले ली, तो तातुस ने भी एक गार्जियन की तरह, एक संरक्षक की तरह उसकी और उसके बच्चों की केयर करने लगा। उनके खाने पीने की, उनके नाश्ते की, उनके उसके बच्चों के लिए आधा लीटर अलग से दूध की व्यवस्था कर दी। इस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, दोनों एक दूसरे की जरूरतों के सहायक बन गए। एक दूसरों की कहते ना कि अगर हम सामने वाले की केयर करेंगे तो तभी हम उससे अपेक्षा करें कि वह मेरी केयर करेगा। तो यहाँ चूंकि एक दूसरे की यहाँ पर केयर कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही लोग बड़े सुख से बड़े प्रेम से रह रहे हैं। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहां बस काम पर लगी एक लड़की हो या यह घर किसी और का है। तुम इसे अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा ही मानता हूं। देखिए यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई कि जब उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी जैविक रूप से बेटी भले ही नहीं हो, लेकिन तुम वास्तव में मेरी बेटी ही हो, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो तुम्हारे रूप में मुझे जैसे एक बेटी मिल गई। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी बेटी की तरह ही हो। अब यहां पे शंका और शुभा की कोई गुंजाइश नहीं कि कहीं ना कहीं कि है तो नौकरानी ही, लेकिन जब उसने उसे बेटी की पद पर यहां पे अभिषिक्त कर दिया, उसे बोल दिया कि तुम मेरी बेटी की तरह इस घर में रहोगी, यह घर तुम्हारा है, तुम कभी इसे पराया मत समझना, तो सारी शंकाएं दूर हो गई कि अब वह इस घर की परमानेंट मेंबर है, इस घर की परमानेंट सदस्य है और उसका उतना ही हक है जितना अन्य लोगों का। यह तातुस ने एक मुखिया की हैसियत से, एक पिता की हैसियत से, एक संरक्षक की हैसियत से उसे दे दी। मैंने सोचा, जब वो कहता मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा ही मानता हूं, मैंने सोचा, मतलब बेबी सोच रही है, भला यह भी कहने की कोई बात है, यह तो मैं जानती ही हूं। मतलब उनका व्यवहार, उनका नजरिया, उनका आचरण, वो सब एक पिता की तरह ही था, इसलिए बेबी कहती है यह कहने की कोई जरूरत नहीं थी, यह तो आपका पहले से ही पता है कि आप मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं। मैं यहां आकर कितनी सुखी हूं, सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते, मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते, डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती, वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकालकर दे भी देते और मेरे अनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, तेल साबुन खाना पीना कपड़े वपड़े किसी भी चीज का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेबी सोच रही है कि मैं कितने अच्छे लोगों के बीच आ गई, मैं कितने अच्छे घर में आ गई, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से बेबी की जिंदगी में कहते ना कि एक नई, उसने इस घर में आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अपने पिता के घर से पति के घर आई,
पति के घर से फिर वो मलिन बस्ती में गई और फिर मलिन बस्ती से उठकर वह तातुस के घर में आई और यही उसका फिर अंतिम घर हुआ इस धरती पर, स्थाई घर हुआ। कहते हैं ना कि आपके जैसे कर्म होते हैं वही आपका, आपके कर्म ही आपको जो है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। पिता के घर में उसे सुकून नहीं मिला, बचपन में ही उसकी शादी कर दी गई पढ़ाई छुड़वाकर। पति शराबी था, उसे प्रताड़ित प्रताड़ना से त्रस्त आकर उसने पति का घर छोड़ा बच्चों को लेकर, फिर मलिन बस्ती में आई, संघर्ष किया, आखिर उसके कर्म चरित्र और संस्कार ने ही उसे वह मुकाम दिया, उसे तातुष का घर दिया। यह अनायास कोई संयोग नहीं है। कहते हैं ना कर्म का फल अकाट्य होता है, वह किस रूप में मिलेगा हमको नहीं पता है, यह ईश्वर ही जानता है, यह प्रकृति ही जानती है। अगर हमारा दृढ़ विश्वास कर्म में है तो हम कर्म से कभी नहीं चूकेंगे। फल मिलता है नहीं मिलता है, जरूरी नहीं कि कर्म का फल तत्काल ही मिल जाए, अच्छे कर्मों का फल, लेकिन मिलता जरूर है। मुझे तो नहीं लगता कि तातुष का घर मिलना बेबी को एक कोई संयोग था, यह उसके कर्मों का ही फल था, यह उसके संस्कारों और उसके व्यवहार का ही फल था कि उसे तातुष जैसे लोग मिले, उसे तातुष का घर मिला और उसका जीवन शांति सुकून से गुजरा। और सबसे बड़ी बात, उसे साहित्य जगत में लेखिका की पदवी प्राप्त हुई। क्लास 7 पास एक लड़की संघर्ष करके जब बड़ी होती है, एक लंबे अंतराल बाद लिखना शुरू करती है और उसे लेखिका का दर्जा है साहित्य जगत में प्राप्त हो जाता है। यह कितनी बड़ी बात है। सुखी और सुकून से भरी जिंदगी तो ठीक है, लेकिन एक सफल जिंदगी भी उसकी हो जाती है कि वह अपने जैसे संघर्ष करते हुए हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है कि अगर अच्छे कर्म करोगे, अगर अपने विश्वास पर, अपने कर्म पर, अपने चरित्र पर दृढ़ रहोगे तो आपको मुकाम अच्छा जरूर मिलेगा, आपकी मनचाही इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। यह प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी, कितने हजारों लाखों लोग संघर्ष आज कर रहे हैं बेबी हालदार जैसे, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म और चरित्र में सच्चाई न होने की वजह से सबको वह मुकाम नहीं प्राप्त होता। और बेबी यही संदेश देती है कि अगर कर्म में सच्चाई है, चरित्र में सच्चाई है, तो आपको आपका मुकाम अवश्य प्राप्त होगा। वही कहती है कि जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूं, पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग कैसे मिल गए, उसे खुद नहीं आश्चर्य होता। लेकिन कहते हैं कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं देता, देता तो नेचर है, देता तो प्रकृति है, ईश्वर है। तातुस के घर को बेबी की जरूरत थी और बेबी जैसी कर्मठ सच्चरित्र महिला की इस घर को जरूरत थी। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, दोनों एक दूसरे के सहारा बन गए और दोनों की जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी।